हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और मैं हूं एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर। और मेरे इस चैनल पर मैं पब्लिश करता हूं बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स जो कि आपके काम आ सकते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर। नाउ मैं बेसिकली काम करता हूं एबल्टन के ऊपर, सो एबल्टन लाइव इन हिंदी अगर आप ट्यूटोरियल सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, तो आई थिंक मोस्टली वीडियोज जो है वो मेरे चैनल से ही आते हैं। साथ ही साथ मैं रिव्यू करता हूं बहुत सारे प्लगइन्स को, हेडफोन्स, मिडी कीबोर्ड, जो कि आपके होम स्टूडियोज़ में या प्रोफेशनल स्टूडियोज़ के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। सो चलिए करते हैं शुरू। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन के फ्यूचर के बारे में। नाउ इफ़ यू लुक बैक 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हमारे जो भी सॉन्ग्स अब तक क्रिएट हुए हैं नॉर्मली वो एक ही थीम के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो है रोमांस। आप किसी भी फॉर्म में देख लीजिए, बॉलीवुड के जितने भी सॉन्ग्स आते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रोमांस का फैक्टर होता ही है। एंड देन वो एक स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। पिछले 4-5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इंटरनेशनल डीजेस हमारी कंट्री में भी आते हैं, शोज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सनबर्न एक फेस्टिवल है जो कि गोवा में, पुणे में ऑर्गेनाइज करती हैं। एंड देन वहाँ पर आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। बहुत सारे नामी डीजेस हमारे यहाँ से भी हुए हैं, पर व्हाट इज़ द फ्यूचर? क्या यही फ्यूचर है या फिर जो कि अब तक हम लोग करते आए हैं कि किसी भी एक सॉन्ग का वेट करेंगे जो कि किसी एक हिंदी फिल्म में आएगा या किसी इंडियन सिनेमा की जो फिल्म है उससे आएगा, एंड देन उसका हम रिमिक्स बनाएंगे एंड देन वही हर डीजे पर, हर कार के अंदर है ना, हर रेडियो स्टेशन पर वही चलेगा। मेरा जो अपना थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अभी जो टाइम है वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन का ही है। नाउ नॉट ओनली कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें सुनी जाने लगी हैं, यहाँ पर वो ट्रेंड आने लगा है, यंग जनरेशन प्रेफर करती है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बॉलीवुड के म्यूजिक के अंदर देखें तो अभी कोई भी लाइव ऑर्केस्ट्रा, लाइव ड्रम्स, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम रिकॉर्ड करता है। मतलब बहुत कम ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जब आप इतना बड़ा एक क्या है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करते हो, देन आप उसे लाइव बजवाते हो। होता है मूवीज़ के बैकग्राउंड स्कोर जब आप बनाते हो उसमें होता है, पर बहुत कम हो गया है। नाउ एवरीथिंग इज़ कंप्यूटर बेस्ड। आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल हेडफोन्स आ गए हैं, बहुत कन्वीनियंट हो गई हैं चीज़ें, और आप घर से म्यूजिक बनाना शुरू कर सकते हो। सो हमारा जो बॉलीवुड का ट्रेंड है वो भी चेंज हुआ है। अभी सब चीज़ डिजिटली हो गई है, सब चीज़ लाइव रिकॉर्ड नहीं होती है जैसा कि मैंने बताया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन जो है वो आई थिंक इज़ द ओनली वे जो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज अगर आप नॉर्मल पब्लिक में जाएं और किसी से पूछें कि एक डब स्टेप क्या होता है, एक ट्रैप क्या होता है, हाउस म्यूजिक क्या होता है, तो आई थिंक 10 में से 5 या 6 लोग आपको आंसर करेंगे कि दे नो इट। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में वो चीज़ें अब हम लोगों के इर्द गिर्द आने लगी हैं। सो मैं ये नहीं कहता कि आप रिमिक्सिंग करना बंद कर दीजिए, आप जो पुराना वाला ट्रेंड है उसको बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। पर आजकल चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, जितना फास्ट आप किसी की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं अपने म्यूज़िक के थ्रू, द मोर फेमस यू आर। सो आई थिंक म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा कंपटीशन भी आपको मिलेगा। कि आजकल आई थिंक हमारे यहाँ जो रैपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। नाउ अगर आप एक रैपर हैं और आपको थोड़ा सा भी सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आप एक बहुत ही सॉलिड बीट, बहुत ही ट्रेंडिंग बीट अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी स्टूडियो में जाएं रिकॉर्ड करें, वो एक अलग पार्ट है कि अगर आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, पर वो अभी मैंडेटरी नहीं रह गया है। तो मेरा मानना ये है कि म्यूजिक प्रोडक्शन जो है वो सबसे पहले आपकी सोच से शुरू होती है। आपको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनिशिएट कैसे करें, हमारे घरों के अंदर एकॉस्टिक ट्रीटमेंट्स नहीं हैं, तो क्या हम स्टिल अच्छा म्यूज़िक बना सकते हैं? बहुत सारे लोग महंगे प्लगइन्स, डॉज, मिडी कीबोर्ड्स, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी क्या वो म्यूज़िक बना सकते हैं? आई थिंक इसका आंसर है यस। आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी महंगा इक्विपमेंट खरीदना का, और मैंने इसके आई थिंक ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना दिए हैं, पर मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखा है मैं चाहता हूँ कि वो इंस्पायर्ड हों। और
आई थिंक मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए, आपके कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो Ableton Live आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड. अभी मैं ये नहीं कह सकता कि FL Studio नहीं है, पर इंडिया में जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं वो FL Studio से रिलेटेड. बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि सर आप FL Studio के ऊपर वीडियोज़ बनाइए. FL Studio के आप ट्यूटोरियल्स बड़ी ईजीली फाइंड कर सकते हैं YouTube पर, Google पर. आई थिंक हर दूसरा बंदा सिर्फ उन्हीं के ट्यूटोरियल्स बना रहा है. तो मेरा थोड़ा डिफरेंट थॉट प्रोसेस है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी सॉफ्टवेयर से म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं होता. म्यूज़िक होता है आपके जो आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपके अंदर से जो चीज़ निकलती है कि इस चीज़ को लोग एन्जॉय करेंगे, तो वो एक चीज़ होती है जो आपके बेस फाउंडेशन आती है. सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज़ कीजिए, एंड ऑफ द डे एक सॉन्ग क्रिएट होगा एंड देन अगर उसका आउटपुट अच्छा है तो आई थिंक पब्लिक आपको पसंद करेगी. सो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोडक्शन के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें इवॉल्व होने वाली हैं. और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है इस चीज़ में सोचना, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम. सोचना शुरू कीजिए. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अभी खुल गए हैं बट उनके पेड कोर्सेज आई डोंट नो कि सारे लोग अफोर्ड कर पाएंगे. पर आई थिंक इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखा रहे हैं फ्री में. आप कोई भी डॉ पकड़ लीजिए. एक सबसे पहला काम आपका है कि आपको एक डॉ सेलेक्ट करना है और उसी में आपको आगे बढ़ना है. मतलब ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ FL Studio ही है जो कि अच्छा आउटपुट दे सकता है या सिर्फ एक Cubase ही है जिससे मैं अच्छा आउटपुट निकाल सकता हूँ. नहीं, आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, आपको उसके अंदर मास्टरी करनी पड़ेगी और उसके बाद जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें कैसे रन करनी है. सो बहुत टाइम से मैंने कोई फेस टू फेस वीडियो नहीं बनाया था तो मैंने सोचा कि आज मैं एक फेस टू फेस वीडियो क्रिएट करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए. हमारी फैमिली जो है वो बहुत अभी इंक्रीज हो रही है एंड देन आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों से इतना सपोर्ट मिल रहा है. सो थैंक यू सो मच. और मेरे चैनल पर इसी तरह जो वीडियोस हैं उनको सपोर्ट करते रहिए. मेरे वीडियोस पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उनका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता हूँ, लाइक 2 घंटे 3 घंटे या कभी कभी मैं इमीडिएटली विद इन अ मिनट भी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ. पर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए. वहाँ पर आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको विद इन 5 मिनट्स आई गारंटी आपको रिस्पॉन्ड आएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपका म्यूजिक प्रोडक्शन जो है वो और बेहतर हो. मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँ और आप लोग मुझसे जुड़ते रहें. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.